संख्या कक्षा 11 के सिलेबस में डे 41 में और चैप्टर संख्या 5 हमने कल शुरू किया था, इसमें गति के नियम पढ़ रहे हैं हम। गति के नियम, पहला नियम हमने पढ़ लिया था, जड़त्व का नियम होता है, गतिशीलता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व, बात गति नहीं देगा, तो पहले आप पिछले क्लास देख लें। अब हम आगे बात करते हैं, इसके अंदर अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है गति का दूसरा नियम। उससे पहले हम एक बात कर रहे हैं, संवेग, मोमेंटम, संवेग। नॉर्मली संवेग को डिफाइन करते हैं किसी भी कण के, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग। लो अगर बात करें, संवेग वर्ड आ गया तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वस्तु गतिशील अवस्था में, संवेग वेग से ही संबंधित है, गतिशील अवस्था में। अगर वेग जीरो है, कोई वस्तु विराम अवस्था में रुकी हुई है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उसका संवेग भी जीरो होगा। अगर वेग को उसके द्रव्यमान से गुणा कर दें तो वो क्या कहलाता है, संवेग है। सिंपल ये कह सकते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी। इसका मात्रक लें तो क्या होगा, मास है, मास का मात्रक किलोग्राम, वेग है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डिफाइन करें तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी गतिशील कण के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बीमा बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, हमने कर ली है काफी पहले, लेकिन आप हैबिट डाल लें भी, जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला आ रहा है, तो उसकी डायमेंशन जरूर निकालें, उसकी बीमा जरूर निकालें। तो बीमा जैसे ही निकालेंगे से आपको पीछे की जितनी भी पढ़ी हुई है वो प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ। जब हम समझते हैं तो कुछ बीमाओं को, कुछ डायमेंशन को सोल्व करते हैं 10-15-20 को, लेकिन उनके अलावा भी बहुत है जिनको हम उस समय बात नहीं करते इनिशियल स्टेज में। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, हम समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे फॉर्मूलाज नए आ रहे हैं, जितने भी फॉर्मूलाज, जितने भी क्वांटिटीज वैल्यूज आ रही हैं, उसमें सभी के लिए हमें क्या सोल्व करना है, डायमेंशन सोल्व करनी है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगी, निकालने का तरीका भी रिफ्रेश रहेगा। तो जैसे अब तो हम बात करते हैं डिटेल से, बात करेंगे आप किसी से भी निकाल सकते हैं, भाई इस मात्रक आ गया उससे निकाल लो, इससे निकाल लो, परिभाषा से निकाल लो, कैसे निकाल लो। तो यहाँ किलोग्राम देखिए तो किलोग्राम की डायमेंशन क्या, मास, मास को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। आगे क्या आ रहा है, मीटर, मीटर क्या होता है, लेंथ, और बाद में क्या आ रहा है, सेकेंड, सेकेंड क्या होता है, टाइम, तो क्या आ गया, एम एल टी माइनस वन, ऐसे लिख दें, या इसको लिख दें एम वन एल वन टी माइनस वन, एक ही बात है, ये इसकी डायमेंशन आ गई। ये तो क्या संवेग। अब बात करते हैं दूसरे इसकी नियम जो है वो गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम, इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग का नियम भी कहते हैं, इसी से हम बाद में संवेग संरक्षण का नियम दोबारा अलग से लिखेंगे। लव मोमेंटम, ये क्या है, गति का दूसरा नियम क्या बताता है, कोई भी कण जब गतिशील अवस्था में है तो उसमें उस पे आरोपित बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, और बल की दिशा भी उसके वेग के दिशा के अनुसार ही होती है। तो ये सदिश नियम है, एक बात तो ये क्या है, ये सदिश नियम, डायरेक्शन इसमें पता रहती है, सदिश नियम है ये। वेक्टर क्या है, इसके अनुसार किसी कण पर, किसी कण के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित भारी बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाहरी बल के बराबर होती है। F जो वो क्या लिख सकते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन को किससे शो करते हैं, D से शो करते हैं, चेंज को D, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष होगा परिवर्तन, संवेग का मतलब जब भी संवेग आए तो माइंड में आ जाना चाहिए P इज इक्वल टू एम वी, हियर एम इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, सो वेरिएबल इज अ वी, वी चेंजेबल वैल्यू है केवल, वी का मान ही परिवर्तित, कोई गाड़ी गतिशील है तो वो पहले 10 की स्पीड में चल रही है, बाद में 20 की हो जाएगी, 50 में चल रही है, 40 की हो जाएगी, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन गाड़ी वही है
तो उसकी स्पीड, उसका जो द्रव्यमान है वो भी वही रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, तो एम भी वही है, एम कॉन्स्टेंट है इसके अंदर। तो इसका मतलब पी परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या परिवर्तित हो रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है। और वेग की बात कर चुके हैं कि वेग की डेफिनेशन क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो वेग तो परिवर्तन होता है, वेग में जो तो चेंज होता है वो समय के सापेक्ष होता है, जिसको त्वरण कहते हैं, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी। तो वेग जो आता है वो भी किसकी वजह से आता है, समय की वजह से आता है, परिवर्तन की वजह से आता है। और यहाँ जो परिवर्तन होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन होने में भी क्या लगेगा, समय लगेगा, बिना समय के परिवर्तन नहीं हो सकता। ये जो नियम है ये गति का दूसरा नियम है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, हम एक इक्वेशन लेते हैं बल के लिए, नॉर्मली डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, उसका प्रूफ भी यही है, अगर कहीं जरूरत पड़े तो हम हर जगह डायरेक्ट यूज करते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। यानी बल जो है वो जब डायमेंशंस निकालते हैं तब भी ये बात करते हैं कि बल का जो मान है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणा के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन भी यहीं से आती है, कैसे आती है, पी इज इक्वल टू क्या है, वी नो दैट पी इज इक्वल टू एम वी, एम वी बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, देन पुट द वैल्यू ऑफ पी, एफ इज इक्वल टू डी बाय डी टी इंटू एम वी। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं पहले डिटेल से। तो ये क्या है, डी अपॉन डी टी क्या शो कर रहा है, परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर का मतलब ये अवकलन होता है। तो अब परिवर्तन किसमें होगा, जिसमें हो सकता है, जो कॉन्स्टेंट होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो उनको चाहे ब्रैकेट के अंदर लिख लो चाहे बाहर लिख लो, उनमें चेंज नहीं होगा। तो यहां से एम को निकाल ले बाहर, तो क्या लिखेंगे, डीवी अपॉन डी टी। और ये डीवी अपॉन डी टी हमें पता है किसके इक्वल होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन इज ए चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देन ए इज इक्वल टू डीवी बाय डी टी, तो यहां क्या पुट कर दें, ए पुट कर दें, सो एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये जो एम ए यूज करते हैं ये भी यहीं से लेते हैं, कोई अलग बात नहीं है। ये इसका नियम है, गति का दूसरा नियम, इस संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाहरी बल के समानुपाती होते हैं। परिवर्तन का आपको ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में रहता है, यहाँ समय के रिस्पेक्ट में रहता है, हर जगह समय के रिस्पेक्ट में नहीं होते सारे परिवर्तन, कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे सेकेंड बुक में। अब देखो एक बात आप इसकी, इसके थोड़ा सा ध्यान रखें कि एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, ये कह सकते हैं, ये कंसेप्ट आप इसके अंदर ध्यान रखिए तो ज्यादा सही रहेगा, कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब बल जो किस पे निर्भर कर रहे हैं, समय पे निर्भर कर रहे हैं। अगर किसी भी कण की स्पीड तो वही है, स्पीड तो वही है, लेकिन अगर उस स्पीड को कम करने में अगर टाइम जो लग रहा है उसको बढ़ा दिया जाए, जो स्पीड जैसे मान लो 50 पे गाड़ी चल रही है और या 70 पे बाइक चला रही है, 70 की स्पीड में 60 की स्पीड में, और ब्रेक लगा के 70 से जीरो करना चाहे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। क्या होगा, जैसे ब्रेक लगाएं गाड़ी पीछे से ऊपर उड़ जाएगी और गिरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। अगर किसी मोड़ पे घुमाव पे हम बात करेंगे इसी चैप्टर में कि घुमाव पे गाड़ी कैसे चलाई जाती है, तो अगर घुमाव पे है तो क्या होगा, उस समय अगर 60-70 की स्पीड में पूरा खींच के ब्रेक लगा दी जाए तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहां पर इसका मतलब क्या है, अगर हमें हमें स्पीड तो है जो 70 चली रही है, उसका तो क्या करें, उसको हमें कम करना है। कम करने के लिए जो हम तुरंत ही कम कर रहे थे उसके बजाय हम उसको टाइम देते हैं, किसको बढ़ाते हैं, हम टी को बढ़ाते हैं, टी को बढ़ाते हैं, टी को बढ़ा देंगे तो बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो एक्सीडेंट होता था वो नहीं होगा फिर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा हमें पता है हम वैसा ही करते हैं, नॉर्मली सही तरीके से चलाते हैं, वैसे ही चलानी चाहिए, नियमों का ध्यान भी रखना चाहिए, कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं 60 पे चल रही है तो हम तुरंत उसको जीरो पे नहीं लाते हैं, हम उसको चौथे गियर से तीसरे में लाते हैं, दूसरे में लाते हैं, पहले में लाते हैं, फिर न्यूट्रल करते हैं, और ऐसे करते करते सुई ऐसे ऐसे आते हैं, धीरे 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 जीरो पे आते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ और ये आ गई, ऐसे नहीं आती। तो हमने क्या किया, हमने उसको टाइम दे दिया, वी तो उतना ही था 70 था, वे वेलोसिटी उसकी स्पीड तो 70 थी, लेकिन 70 से जब उसको चेंज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं,
कम करके जीरो ला रहे हैं, फ्रॉम 70 टू जीरो ला रहे हैं, तो उसके लिए हमने किसको इंक्रीज कर दिया, टी को इंक्रीज कर दिया, और टी को इंक्रीज कर दिया तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसी से रिलेटेड इसके एग्जाम्पल है जो हम बात करेंगे, एक दो एग्जाम्पल्स की इसी से रिलेटेड। तो उसमें एग्जाम्पल्स को हम लिख लेते हैं, कोई खास बात नहीं लिखी है किताबों में, उसमें कंसेप्ट यही काम में आता है, इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर किसी वस्तु पर बल गतिशील है और बल ज्यादा लग रहे हैं तो वहां उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए टाइम बढ़ा दो तो बल कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा, बल से सारे नुकसान होते हैं, बल ज्यादा लगेगा तो नुकसान ज्यादा, बल ही कम लगेगा तो नुकसान देगा। अब इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हमने कि कोई खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी, ये एग्जाम्पल हर किताब में मिल जाएगा आपको, क्रिकेट का जो खिलाड़ी रहता है वो जब बॉल को कैच लेता है, कैच करता है तो सीधा ऐसे नहीं करता, क्या करता है सबको पता ही, ऐसे करता है अपने हाथों को, क्या करता है पीछे की ओर खींचता है, जब शॉट लगी बॉल आ रही है बहुत ही स्पीड से आ रही है और धीरे जैसे यहां से डायरेक्ट हम कैच करें पकड़े उसको तो वो बिल्कुल यहां के हाथ के अड्डी पे आके लगेगी और चोट लगेगी। लेकिन क्या करता है खिलाड़ी, क्या करता है जब कैच लेता है कोई भी फील्डर तो उस हाथ को ऐसे करता है, ऐसे करने का मतलब क्या है, जिस बॉल को वो यही ले रहा था उस बॉल को यहां तक लाने के लिए और टाइम दे देता है, तो उसकी स्पीड जितनी यहां थी उतनी यहां नहीं रहती है, उससे स्पीड उसकी और क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डायरेक्ट हिट नहीं करती है वो और उसके चोट लगने की संभावना कम होती है। तो वहां पर वो ऐसा करना वो कि कौन सा नियम है, वो गलती का दूसरा नियम है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। ऐसा लिख सकते हैं हम सीधा लिख नोट्स बनाने के लिए कि क्रिकेट का खिलाड़ी कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, एक बात ठीक है, लिख लेंगे आप ये इसी आप लिखेंगे। सेकंड, जो कांच के बर्तन होते हैं, कांच के चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो स्टील के तो अपने दुकानों में ऐसे पड़े मिल जाते हैं, कुछ भी ले लो जो भी चाहिए, चम्मच प्लेट कटोरी वगैरह सब ऐसे ही मिल रही है, दर्जनों के भाग में रखे रहते हैं, 50-60 उठा उठा के निकल पकड़ा देते हैं, ऊपर रखे हैं तो ऊपर से आदमी ऐसे फेंक देते हैं। लेकिन कांच के और चीनी के मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, कप प्लेट वगैरह होते हैं, उनको ऐसे नहीं भाई ऊपर खड़ा सेकंड फ्लोर पर फेंक देगा लो पकड़ लो, ऐसे नहीं पकड़ता, अगर फेंक देगा तो क्या हो जाएगा वो कचरा होगा, टूट जाएगा। तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए क्या किया जाता है, जैसे कोई अगर कप है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पहले उसके ऊपर एक अखबार लगाया जाए, अखबार या कागज जो भी उनके पास होते हैं वो लगा दिया जाए, फिर या फिर उसको क्या किया जाता है, ज्यादा स्टाइलिश कप आते हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनके लिए एक थर्माकोल का डब्बा होता है, 6 कप है तो 6 उसके अंदर बॉक्सेस है, वो उनके साइज के अनुसार बना दिया जाता है, इनमें उनको रख दिया जाता है। ऐसे जता दिया जाता है, लेमिनेशन कर दिया जाता है, फिर थर्माकोल के बॉक्स को एक डिब्बे के अंदर पैक कर दिया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट में आगे से आगे जहां भेजना वहां भेज जाता है और वहां से होते हुए वो हमारे शहरों की गांवों की दुकानों पर पहुंचते हैं और वहां से हम उसको लेके आते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, देखो सिंपल सी बात तो ये लिखने आपको, चीनी मिट्टी के कांच के बर्तनों को थर्माकोल की शीट में पैक किया जाता है, ये इसका उदाहरण है, अगर पूछे भाई इसका कोई उदाहरण तो ये इसका उदाहरण है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर जब उनको ट्रांसपोर्ट में भेज दिया जा रहा कार्टून भर भर के डाल में, तो जब रख रहे हैं थोड़ा वो ऊपर से गिर रहे हैं या थोड़ा जा रहा है आगे धक्का दिया जा रहा है तो फोर्स तो लग ही रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, उनको अगर कार्टून में सीधे डाल के रख देंगे कितना भी सेफ्टी से लेके जाओ पूरे नहीं पहुंचेंगे वो कभी भी, इसीलिए उनको इस तरह से पैक किया जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही कोई फोर्स लगेगा इस बॉक्स पे, यहां लगेगा तो पहले तो फोर्स लगेगा बॉक्स पे, फिर बॉक्स से किस पे जाएगा, थर्माकोल शीट की मोटाई इतनी है इस पे जाएगा, इतनी शीट को क्रॉस करेगा, फिर आगे के अंदर के डिब्बे पे जाएगा, फिर आगे कप पे पहुंचे, तो कप पे जब डायरेक्ट हिट हो रही थी उसके बजाय क्या होगा, यहां तक पहुंचने के लिए टी का मान बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा, और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए छत से, दीवार से, ऊंचाई से जब जंप करते हैं, कूदते हैं, वैसे ही नॉर्मली
तो कूदते हैं तो फर्श पे कूदना मुश्किल है और रेत में कूदना आसान है। फर्श में, फर्श तो नीचे धसता नहीं है, जैसा है वैसे वैसे ही रहेगा वो तो, और सीधे से सीधा हिट करेगा और चोट लगेगी। लेकिन रेत में क्या होगा, जैसे पैर पड़ेंगे तो रेत फिसल जाएगी, आगे चल जाएगी, थोड़ी नीचे धस जाएगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा टाइम इंक्रीज हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। टाइम जैसे ही इंक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, नुकसान कम होगा। तो सारी चीजें नुकसान कम करने की, और नुकसान कम करने के लिए सीधी सी बात है बल कम लगाना चाहिए, और बल कम लगाने के लिए टाइम बढ़ा दो, बाकी सब काम बढ़ा हो जाए। और ये सारे जो एग्जाम्पल है इससे संबंधित है, शॉर्ट में आप लिख लें, जैसे डेफिनेशन में लिख दी है, ये चीजें आप लिख लें, नोट कर लें। विमाओं का मात्रों का इनका तो हर जगह आप ध्यान रखें, विमा जो कभी चेंज नहीं होती, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, ए बराबर एम ए से निकालोगे तो भी यही आएगी, ए बराबर एम बी से निकाला है तो भी एम तो संवेग में, अगर एफ का कोई और फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो उससे निकालेंगे तो भी वही आएगी। इसीलिए हमने बल की विमा जैसे हमें याद है नॉर्मली क्या होती है, एम एल टी माइनस टू होती है, अब आप इससे भी निकालेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी साथ। तो जो भी फॉर्मूलाज आते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए उनके विमाओं को जरूर सॉल्व करके देखें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, थोड़ा रिटर्न वर्क करें। जो भी डेफिनेशन एग्जांपल्स वगैरह बताए जाते हैं उनको नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखें, बिल्कुल किसी भी बुक को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात वहां लिखी है उस बात को हम अपनी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, बता सकते हैं और देख सकते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल उनके लिख लें, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गति का तीसरा नियम, तब तक आप इसको पढ़ते रहें, पिछली बातें भी रिवाइज कर लें। थैंक यू।